उत्तर प्रदेश के झांसी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाज सेवी टीचर्स ग्रुप ने महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए स्कूली छात्रा को स्कूल आने जाने के लिए साइकिल भेंट की है। आपको बता दें, झांसी के मंथनपुरा गांव में एक स्कूली छात्रा मंजेश प्रजापति अपनी पढ़ाई करने के लिए 12 किलोमीटर दूर झांसी आती है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण रोजाना का आने जाने का खर्चा उठा पाना उसके लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वह रोज स्कूल नहीं जा पाती। जब इसकी जानकारी समाज सेवी टीचर्स ग्रुप को हुई तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रा मंजेश प्रजापति के गांव जाकर उसे साइकिल दी। साइकिल पाकर मंजेश बेहद खुश हुई। उसने टीचर्स ग्रुप का धन्यवाद देते हुए ग्रुप की सदस्यों से वादा किया कि वह अब रोज स्कूल जाएगी। ग्रुप की सदस्य सरला मिश्रा ने बताया कि मंजेश की स्थिति को देखते हुए उसे साइकिल दी गई है ताकि वह प्रतिदिन स्कूल जाए और आगे भी ग्रुप के द्वारा उसकी शिक्षा में सहयोग किया जाता रहेगा। इस अवसर पर ग्रुप सदस्य संगीता सिंह, सुमिक्षा यादव, विनीता अहरवार, प्रीति चौरसिया, सुधा वर्मा, रीता सोलंकी, अर्चना वर्मा, उषा निगम, अर्चना सांडेल, पूजा चिरगैया, अलका पाठक, दीप्ति अग्रवाल मौजूद रही। आज हमारी सारी टीचरें आई हैं हमें साइकिल देने के लिए। हमें आने जाने में दिक्कत होती थी, स्कूल जा नहीं पाते, इसलिए अब साइकिल मिल गई तो हम जा पाएंगे पढ़ने के लिए। कितने में पढ़ती हूँ? 12। कहाँ पढ़ती हूँ? राष्ट्रीय कन्या। ये कहाँ है? जी बीकेडी। झांसी? हाँ। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर। तो रोज कैसे जाती थी? सर टैक्सी से जाया करते थे, किराया बहुत लगता था सर, इसलिए नहीं जा पाते। अच्छा, रोज नहीं जा पाते थे। यहाँ एक बच्ची है जो राष्ट्रीय कन्या में पढ़ती है, उसका नाम मंजेश प्रजापति है और उसको पढ़ाई के लिए यातायात के साधन की वजह से व्यवधान पैदा होता है। कैसा व्यवधान? उसको आर्थिक मदद नहीं है, रोज कन्वेंस में पैसा खर्च करने में दिक्कत होती है, उसकी उस परेशानी को दूर करने के लिए हम उसको साइकिल देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जिससे उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट। रोज स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी उसको? हाँ, उसको रोज स्कूल जाने में परेशानी थी। तो अब जाएगी क्या वो? हाँ, अब हम लोगों ने साधन उपलब्ध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइट न्यूज़, झांसी।